बिना इंतजाम वन वे करने से पार्षदों में रोष, नगर परिषद में की बैठक। रेवाड़ी शहर में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने शहर के सर्कुलर रोड को वन वे करके राहत देने की कोशिश की थी, लेकिन बिना इंतजाम वन वे नियम लागू करने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना परेशानी झेल रहे शहरवासियों की समस्याओं को लेकर आज सभी नगर पार्षद एकजुट हुए और नगर परिषद हॉल में बैठक की गई, जिस पर बिना इंतजाम वन वे करने पर रोष जाहिर कर पार्षदों ने सुधार के लिए अपने सुझाव रखे। बैठक में कुछ पार्षद वन वे के पक्ष में तो कुछ पार्षद टू वे के पक्ष में नजर आए, लेकिन सभी पार्षदों ने ये जरूर कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे, निजी संस्थानों से पार्किंग की व्यवस्था करवाएं, ट्रैफिक लाइट्स को ठीक कराएं, सभी चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। पार्षदों ने कहा कि वन वे लागू करने से पहले किसी से पूछा नहीं गया, नगर पार्षदों से सुझाव लेकर और उचित इंतजाम करके वन वे का नियम लागू करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण हादसे बढ़ रहे हैं। निजी संस्थानों ने सड़क पर और कब्जा कर लिया है। वहीं कुछ पार्षदों ने कहा कि वन वे का नियम जनता पर प्रशासन थोपे ना, प्रशासन टू वे करे और उचित इंतजाम करे। आपको बता दें कि 15 सालों में दो बार शहर में ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई, लेकिन दोनों बार नगर परिषद ने जनता के पैसे को बर्बाद किया है। इसके अलावा यातायात नियमों का पालन कराने के लिए जो इंतजाम पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से कराने चाहिए थे वो नहीं कराए गए, जिसके कारण भी ज़्यादा परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। बहरहाल वन वे को लेकर पार्षदों की अलग अलग राय है, लेकिन शहर की व्यवस्था सुधारने की सभी पार्षदों ने मांग की है, जिस दिशा में प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई उचित इंतजाम नहीं किए गए हैं। में यही रखा गया है कि देखो जी, हमारे 8 वार्ड जो हैं वो लाइन पार कर कर है, उन्हें ज़्यादा समस्या है, और हमारे सर्कुलर रोड के अंदर 5-6 वार्ड है, हमें भी समस्या है। वो जब से ये वन वे लागू हुआ है, सारा जाम रोंग साइड हमारे बाजार में से निकलता हुआ पूरे शहर में इतना तब्दील हो रहा है कि हमें लोकल जाने में भी, टू व्हीलर से जाने में भी 1-1 घंटा लग रहा है। और जो ये वन वे लागू करा है, इसमें अभी बहुत सुधार होने की जरूरत है। या तो वन वे में सुधार करा जाए, हम तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करेंगे, या जो पहले टू वे चल रहा था वो टू वे लागू कर, और जो ये सर्कुलर रोड के आसपास अतिक्रमण जो पार्किंग हो रखी है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो चाहे वो स्कूल हो, उन पर लगाम लगाने का काम करें, जब इसका सुधार हो सके। ये हुआ था कि शहर के लिए जो वन वे क्या ये ठीक है या गलत है, इसमें हमारा ये मत है कि ये गलत है, इसमें टू वे किया जाए, क्योंकि पूरा शहर परेशान है इससे, पूरे शहर की अव्यवस्था हो गई है। हम कहते हैं टू वे में सुधार किया जाए, हर चौक पे पुलिस खड़ी करी जाए, और जो हॉस्पिटल बने हैं वहाँ अवैध पार्किंग हो रही है उसमें सुधार किया जाए, बैंक के आगे अवैध पार्किंग, स्कूल के आगे, इसमें प्रशासन सुधार करे और टू वे को लागू करे, क्योंकि पूरा शहर इससे बहुत परेशान है। हाउस की जो पहली बैठक हुई उसमें भी अतिक्रमण पहला मुद्दा था, पार्किंग पहला मुद्दा था, लेकिन दोनों पे काम नहीं हुआ। हाँ, इसमें बहुत बड़ी प्रशासन की ढील है, अतिक्रमण शहर की बड़ी समस्या है, पूरे सर्कुलर रोड बाजार के अंदर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है, और इसमें प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज बैठक में जो हमारा मुद्दा था वो वन वे के ऊपर था कि भाई कैसे इसको लागू किया जाए आगे, और इसमें क्या क्या चेंजेस हों, तो सबकी राय ली गई। और ये मीटिंग में मतलब दो दिन ही पार्षद ही मौजूद नहीं थे और सब लोग थे, तो सबकी राय ली गई और सब ने अपने अपने मतलब क्या पक्ष में है या फिर विरोध में है। अभी इस चीज़ पे हम दोबारा बात कर रहे हैं कि और लेकिन ज़्यादा लोग पक्ष में नजर आए और ये था कि सुधार की जरूरत है। हाँ, ऐसा ना अभी हम नहीं कह सकते कि पक्ष में कितने लोग हैं, विपक्ष में कितने लोग हैं, लेकिन सब ने अपने सुझाव दिए हैं। अब ये हम बात करेंगे डीसी साहब से कि कैसे इस चीज़ को आगे कंटिन्यू किया जाए और इसमें क्या क्या चेंजेस वो करेंगे, क्या कुछ सुधार की जरूरत है, जो सुझाव रखे गए। देखो, पहले तो हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये जो है वन वे ये लागू ना किया जाए, क्योंकि जो मेरा वार्ड है, वार्ड नंबर 26 है, वो अंडरपास के पुल के उधर आता है, और रेवाड़ी की आधी से ज़्यादा आबादी उधर की है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पूरा सर्कल घूम के आना है, अगर इधर नाई वाली पे आना हो या किसी भी काम के लिए आना हो तो 4 किलोमीटर का सर्कल पूरा क्रॉस करके इधर आना है। लेकिन अगर फिर नहीं मानते हैं डीसी साहब या हमसे कुछ चेंजेस के लिए कहते हैं कि हम भाई वन वे ही रखेंगे और आप अपने कुछ सुझाव दें, तो हमारा यही सुझाव रहेगा कि एक साइड से तो वन वे किया जाए, लेकिन जो सेकेंड साइड है उसे खाली छोड़ दिया जाए, टू
टू व्हीलर के लिए, एम्बुलेंस के लिए, स्कूल बसेस के लिए, और इमरजेंसी मतलब कभी भी किसी को भी देखो आ सकती है, किसी के भी परिवार में आ सकती है, तो उस चीज़ के लिए। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैं प्रशासन से, उस हमारी एप्लीकेशन में हम सभी कि आगे से रेवाड़ी के लिए कोई भी ऐसा मुद्दा हो या कोई भी ऐसा सुझाव हो, चेंजेस किए जाएं, तो हमें बुलाया जाए। वन वे का फैसला है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर कुछ सुधार की ज़रूरत है। जो हमारे दोनों लाइन के अंदर व्हीकल चल रहे हैं, एक तो वो बंद होने चाहिए, प्लस जो हमारे टू व्हीलर है उसको एंट्री दी जाए एक साइड से, और इमरजेंसी व्हीकल जो एम्बुलेंस है, स्कूल बसें हैं, और कोई जो व्यक्ति बीमार है उनको एंट्री दी जाए। नंबर दो, जो सर्कुलर रोड पे एनक्रोचमेंट है उसको ख़त्म किया जाए। धन्यवाद। आपको तो बिना इंतजाम के वन वे लागू कर दिया, उसकी वजह से दिक्कत है, वन वे तो ठीक है। देखिए, वन वे का फैसला तो उनका ठीक था, लेकिन उन्होंने इंतजाम पूरे नहीं किए, उसका सही डिसीजन नहीं लिया कि वन वे कैसे चालू करना है। आज वन वे में सुधार की ज़रूरत है, इसमें ये कुछ सुधार करेंगे तो कामयाब हो सकता है। वन वे को एक तो जो रोड पे गाड़ियाँ स्पीड से दौड़ रही हैं उन पे लगाम लगानी चाहिए, दूसरा वन वे पे रेड लाइट चालू करनी चाहिए, और वन वे पे जो सर्कुलर रोड पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जो पार्किंग होती है, उसको ख़त्म करना चाहिए, तभी ये सुचारू रूप से चल सकती है। वन वे व्यवस्था ठीक है, लेकिन इसमें अच्छा है कुछ सुधार कर दें तो ही ठीक है, अब इसमें बहुत सी खामियाँ हैं।